नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए हम अपनी अगली पेंटिंग जो कि है फाल्कोन ऑन अ बर्ड रेस्ट, वो देखते हैं क्या है इस पेंटिंग में। पेंटिंग का नाम पता चल गया होगा, फाल्कोन ऑन अ बर्ड रेस्ट। पेंटर कौन थे? उस्ताद मंसूर। इंपॉर्टेंट क्या है? पेंटर का नाम। मीडियम फिर से बता रहा हूँ क्या है, वाटर कलर ऑन पेपर। कब बना यानी कि सिर का, दैट इज 1618 से 1619 AD में बना था। कौन सा पीरियड था यानी कि किसका पीरियड था, किसका शासन था? जहांगीर जी का। टेक्निक कौन सा है बताएंगे? टेम्परा। कलेक्शन, भाई देखो कलेक्शन पहली बार बदलने जा रहा है, उससे पहले सारे कलेक्शन कहाँ थे? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। इसमें है महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम, जो कि कहाँ लोकेटेड है, पढ़ा होगा जीके में, जयपुर में। महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम में कौन सा पेंटिंग रखा गया है? फाल्कोन ऑन अ बर्ड रेस्ट पेंटिंग, जो कि है जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम में। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसके, कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बर्ड पेंटिंग कंपोज्ड इन जहांगीर एटेलियर, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में जो पेंटिंग बनाई गई उसमें से जो सबसे बेस्ट पेंटिंग था, दैट इज फाल्कोन ऑन अ बर्ड रेस्ट। चले, प्रिजर्व इन द जहांगीरनामा दिस ब्यूटीफुल चार्मिंग पेंटिंग वॉज पेंटेड बाई उस्ताद मंसूर इन 1618 एंड 1918। 1618 से 19 के बीच में जहांगीर के राज्य में जो पेंटिंग बनाई गई दैट इज फाल्कोन ऑन अ बर्ड रेस्ट, उसे जहांगीरनामा में बहुत ही सुंदरतापूर्वक उसे रखा गया है, जो कि उस्ताद मंसूर जी ने बनाया था। इट इज सपोज दैट दिस फाल्कोन वॉज प्रेजेंटेड टू जहांगीर बाई शाह अबाद। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि माना जाता है कि जो पेंटिंग था जहांगीर को गिफ्ट किया गया था, किसके द्वारा? शाह अब्बास के द्वारा, जो कि इंपेरर है कहां के, ईरान के। ईरान के एम्पायर कौन है? शाह अब्बास, जिन्होंने क्या किया था, जहांगीर को गिफ्ट किया था। कौन सी पेंटिंग? फाल्कोन ऑन अ बर्ड रेस्ट। इस हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। लेटर इट वॉज किल्ड बाई अ कैट, उसके बाद वो बाद में किसके द्वारा, एक कैट के काटने से मारे गए। जहांगीर रेयर एंड एक्सीलेंट पेट फाल्कोन एज अ पिक्चर इज प्रिजर्व एज जहांगीरनामा, उन्होंने जहांगीर ने इस पिक्चर को जहांगीरनामा में रखा है बहुत ही संभाल कर। द बर्ड इज पेंटेड इन अ वाइट अगेंस्ट द येलो बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट विथ द ब्राउनिश ब्लैक फीचर्स ऑफ इट्स फोल्डर विंग्स। कहा जाता है कि यानी कि जो बर्ड है इसको व्हाइट कलर से, और जबकि इनकी जो फेदर है उसको ब्राउन कलर से पेंट किया गया है, और इसका जो बैक है यानी कि जो बैकग्राउंड है बेसिकली येलोइश कलर है। ठीक है, चले आगे। एन आइसोलेटेड फिगर ऑफ द फाल्कोन सोन ऑन इट्स पर्च इज रिजिड प्रोफाइल सेंट्रली पोजीशन इन द कंपोजिशन, यानी कि इसका जो कंपोजिशन है बेसिकली जो सेंट्रल में दिखाया गया काफी ज्यादा रिजिड है, यानी कि एक तरह से मैं कहूँ तो क्या है, कठोर है, हार्ड है। ओके, तो ये था आपका इसमें, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। क्या कह रहा है इसमें देखें, यानी कि डार्क ब्राउन मार्किंग ऑल ओवर द विंग्स सजेस्ट दैट इट इज द लाइकनेस ऑफ द पेट फाल्कोन ऑफ जहांगीर। ऐसा कहा जाता है कि भाई इसका जो डार्क कलर है इसके विंग्स का, वो इसलिए है क्योंकि जो पेट था किसका, जहांगीर का, वो कैसा था, ऐसा ही डार्क था। चलें आगे। ओके, उसके बाद कहता है द एक्सप्रेशन ऑफ क्रुएलिटी इन इट्स आइज इन आइटम ऑफ ग्रेट एस्टोनिमेंट टू दोज हैव सीन इट, कह रहा है कि जो भी व्यूअर इसको देखेगा उस पर एक बढ़िया सा इम्पैक्ट पड़ता है। द शार्प बीक एंड राउंड विजिलेंट आइज एंड पेंटेड इन अ शेड्स ऑफ डीप येलो ऑर्चर, कह रहा है कि इसका जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए आई जो है और इसकी जो चोंच निकली हुई बेसिकली काफी ज्यादा क्या है, डीप इम्पैक्ट करता है जो ऑर्चर है बेसिकली। ठीक है, जो भी येलो इस कलर का है, देखिए साफ साफ येलो इस दिख रहा है आपको। ठीक है, द पैच ऑफ डार्क ब्राउन मार्क्स आर शोन इन द बैक फीदर्स इन इट्स नेक, जो इसका गला है बेसिकली, कह रहा है कि इस पे ये जो गले पे क्या है, ब्लैक कलर का जो फीदर दिखाया गया है उस क्या है? मतलब किस कलर का बेसिकली, क्या शोर करता है, डार्क ब्राउन कलर और कलर पे जो बैक साइड से है बेसिकली। अ थिन स्ट्रिंग इज टाइड अराउंड द फाल्कोन नेक एंड हैंग्स लूजली टू द ग्राउंड, कह रहा है कि इसमें देखें गले से एक थिन यानी कि पतली सी एक रस्सी लगी हुई है जो कि ग्राउंड पे बिखरी पड़ी है, देखें यहाँ पे। ओके, आगे चले। पार्ट्स ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इन देवनागरी स्क्रिप्ट विजिबल इन द पेंटिंग, यहाँ पे जो देखें यहाँ पे जो लिखा गया है दो चार लाइनें वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये भी पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि में जो लिखी गई थी पेंट, ठीक है, स्क्रिप्ट वो किस पेंटिंग में लिखी गई थी, फाल्कोन ऑन अ बर्ड रेस्ट में। ठीक है, थ्री वर्ड्स जहांगीर पात सयाह बहारी एंड उत्तम आर रिटन विच परहैप्स रेफर टू द एम्पायर बेस्ट फाल्कोन, कह रहा है कि यहाँ पे जो तीन वर्ड और यहाँ पे बहारी ये लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, जहांगीर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ जहांगीर पाठ सयाह, ये जो लिखा गया जहांगीर पाठ सयाह और नीचे लिखा गया है बहरी, दैट मीन्स उत्तम। ठीक है,
जो कि किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, दैट इज डिनोटिंग द इम्पेरर बेस्ट फाल्कोन। इन ऑल द फोर साइड इज मेड बॉर्डर विथ ब्लैक कलर, इसके चारों साइड से ब्लैक कलर की बॉर्डर बनाई गई है। और विच गोल्डन कलर्ड फिगर्स आर ड्रॉन, जिसमें गोल्डन कलर्ड फिगर से क्या है, कुछ ड्रॉइंग भी की गई है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पेंटिंग पेंटेड इन जहांगीर रिजीम, कह रहा है कि यही इस पेंटिंग की खास बात है जो जहांगीर के रिजीम में यानी कि उनके शासनकाल में बनाया गया था। ओवरऑल ये पेंटिंग था आपका। मिलते हैं अगली वीडियोस में अगली पेंटिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।